इस वीडियो में 10 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं अंतरिम बजट 2024 में हुए 10 अहम ऐलान। बुनियादी ढांचा के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। यह सकल घरेलू उत्पाद GDP का 3.4% होगा। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया। पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी। वित्त वर्ष 2009 से 10 तक की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे करीब 1 करोड़ करदाता लाभान्वित होंगे। सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष की ओर से किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। IFSC इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को भी 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 किया गया। खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया। घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15% की गई। वित्त वर्ष 2024 से 25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः 30 करोड़ 80 लाख रुपए और 47 करोड़ 66 लाख रुपए रहने का अनुमान। कर प्राप्तियां 26 करोड़ 2 लाख रुपए रहने की संभावना। वित्त वर्ष 2024 से 25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14 करोड़ 13 लाख रुपए और 11 करोड़ 75 लाख रुपए रहने का अनुमान। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।